नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपीपीएससी 2015 का पेपर और इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 200 नंबर का रहता है और इसके लिए समय 2 घंटे रहता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इस साल में 2 बार जारी की जाती है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन सही है, भारत बांग्लादेश से। आपको बता दें 14 अप्रैल 2008 में ये चली थी ट्रेन, और समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चली थी। अब तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? तो बी ए ऑप्शन सही है, जर्मनी की है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी, और वर्ष 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। और एपीजी साहब 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे, और इनके द्वारा और भी किताबें लिखी गई, भारत 2020 और अग्नि की उड़ान भी इन्होंने किताब लिखी है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? तो बी ऑप्शन सही है, माधुरी दीक्षित। छठवा क्वेश्चन देखते हैं, यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन है डेंगू से। आपको बताएं कि 11 मार्च 2014 में ये अभियान चला था, और ये डेंगू होता है जो मादा एंडिंग मच्छर के कारण होता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, एडवर्ड संग्रहालय। आपको बताएं कि भोपाल संग्रहालय जो है ये 1987 में स्थापित हुआ था। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था, बी ऑप्शन सही है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है, डी ऑप्शन सही है। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पीएदसी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो बी ऑप्शन सही है, अशोक। अशोक बिंदु सहाय का पुत्र था, और इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका का लेखक कौन था? तो डी ऑप्शन सही है, मैगस्थनीज थे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो डी ऑप्शन सही है, 1773 में। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो सी ऑप्शन सही है, 1829 में, इसी में। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, मोहम्मद शाह। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो डी ऑप्शन सही है, गुरु अंगद, ये दूसरे गुरु थे। इनका कार्यकाल 1538 से 1552 तक रहे जी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो बी ऑप्शन सही है, जहांगीर का। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, वुड डिस्पेच 1834 में जारी हुआ था, इसके तहत मद्रास मुंबई कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोले गए, और वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, 22 अप्रैल को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 19वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी एक जनजाति होती है, और सी ऑप्शन सही है, विश्वतीय वन में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन के वर्षा वनों में, अफ्रीका में। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा अल्फा है एक प्रकार की घास होती है जो, 21वां ए ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं? तो डी ऑप्शन सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, गृहस्थी 40 प्रचंड 50 और चीकता 60 क्या है? बी ऑप्शन सही है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन। 24वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? सेंटोस, ये ब्राजील में स्थित है। चलिए 25वां देखते हैं, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? बी ऑप्शन सही है, आइसो हाइट। और आइसो बार है जो समदाब को मापती है, और आइसो थर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती है, आइसो हेलाइन
समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को बताती है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं अब। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में, बी ऑप्शन सही है इसमें। आपको बता दें कर्ण प्रयाग है जो अलकनंदा पिंडर नदी से मिलता है, और विष्णु प्रयाग में जोशीमठ बद्रीनाथ मंदिर मार्ग पर स्थित है विष्णु प्रयाग, और बद्रीनाथ मंदिर है जो अलकनंदा नदी के तट पर है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो केरल में है, सी ऑप्शन सही है। अभी 2018 में दोस्तों निर्णय रहा है, महिलाओं को अब इसमें जाने की अनुमति मिल गई है। अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है, तो डी ऑप्शन सही है, सिक्किम। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो लोह अयस्क, ए ऑप्शन सही है इसमें। ये दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में स्थित है। 30वां देखते हैं, भारत में अभ्यक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है झारखंड। आपको हम यहाँ बता दें कि विश्व में फर्स्ट नंबर पे भारत है अभ्यक उत्पादन में। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं, तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा क्षेत्र में। 32वां देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, तो जन्म के समय प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, जीवन का स्तर, ये UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक का आधार। चलिए 33वां देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो ए ऑप्शन सही है, गरीबी हटाओ। 1974 से 79 तक ये चला, और बता दें कि डीपी धर मॉडल के आधार पर थी ये पांचवी पंचवर्षीय योजना। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो महाल नोविस मॉडल पर, डी ऑप्शन सही है इसमें, जो 1956 से 61 तक चली, और इसके तहत कुछ संयंत्र लगाए गए थे रावर किला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए, तो 1952 में हुए। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो ए ऑप्शन सही है, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, बान बाबा, वो ये 1985 में हुआ था 10वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय को, सी ऑप्शन सही है, और संविधान की अंतिम व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही है, भुगतान संतुलन से। 40वां देखते हैं, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय ए ऑप्शन सही है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम नाबार्ड संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ, यूएसए अमेरिका में, 1788 में हुआ, और इस अमेरिका की संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। 43वां देखते हैं, तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया, ये ऑप्शन सही है, चुनाव सुधार से। 44वां देखते हैं, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, एम बी माथुर। यहाँ बता दें हम कि 280 के तहत वित्त आयोग 5 साल के लिए का संबंध है, एन के सी सिंह 2020 से 25 तक रहेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और बाई वी रेड्डी 14वें थे जो 2015 से 20 तक के लिए, और योजना आयोग 15 मार्च 1950 में स्थापित हुई थी, और 1 जनवरी 2015 में इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया दोस्तों। चलिए 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो कोई IAS अधिकारी या इससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित कोई वो होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन 4 गलत है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 47वां देखते हैं, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, दीर्घकालिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं 48वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण नहीं है, तो कृषि प्रदूषण नहीं है, डी ऑप्शन इसमें है, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे, गरीबी संबंधित है सामाजिक प्रदूषण से,
49वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? तो उपयुक्त में सभी हैं, बर्मा भी है, गुजरात भी है और बंगाल की खाड़ी भी है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में पाई जाती है। आपको बता दें मृत सागर जॉर्डन इजराइल इजराइल के मध्य स्थित है। कुछ इसमें जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण जीव जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसीलिए इसका नाम मृत सागर रखा गया। 91वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है? तो इसमें ऋण ग्रस्तता सी ऑप्शन है, बाकी के बंधुआ मजदूरी भूमि निरसन धारण कारण होगी। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, अधिनियम 1989। दोस्तों 1989 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ था और 30 जनवरी 1990 को इस सब जगह लागू हुआ। वो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। इसमें पांच, चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? तो डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। 54वां देखते हैं, सतत विकास का आधार है? तो उपयुक्त में से सभी हैं जी, सामाजिक दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण पर्यावरण दृष्टिकोण तीनों हैं जी। 55वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला, ए ऑप्शन चाहिए। 56वां देखते हैं, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो जगदीश चंद्र बोस ने, बी ऑप्शन सही है। 57वां क्वेश्चन देखते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो बी 8। 58वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए? तो ए ऑप्शन सही है, केबी। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? तो 2 0 1, ए ऑप्शन सही है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो बी ऑप्शन सही है, सुपर कंप्यूटर। 61वां देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो विजय भाटकर, बी ऑप्शन सही है। 62वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो प्रिंट ब्रस, जावा, सी प्लस प्लस, बेसिक, ये तीनों हैं, प्रिंट ब्रस नहीं है। ये साधारण प्रिंट होता है, प्रोग्राम होता है जो साधारण चित्र बनाने में यूज होता है। 63वां देखते हैं, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग, सी ऑप्शन है इसमें। 64वां देखते हैं, कंप्यूटर में जहाँ एस सीरीज जुड़ती है उसे कहते हैं पोर्ट, ए ऑप्शन सही है। 65वां देखते हैं, प्रथम पेस्ट जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है गेह पेस्ट, ए ऑप्शन सही है। 66वां देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं? तो ए सही है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, और इसका ध्येय वक्त था अपना जुनून जियो और माराकाना स्टेडियम में हुए थे। चलिए 67वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2015 की बैमलिंडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? तो नोवाक जोकोविक, बी ऑप्शन सही है। इसमें लंदन में इंग्लैंड में हुए और महिला वर्ग में रहा था सेरेना विलियम्स, जो अमेरिका की है। 68वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में है, बी ऑप्शन सही है। 69वां देखते हैं, संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन है, क्रिकेट। 70वां देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, ए ऑप्शन सही है। 71वां देखते हैं, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, ए ऑप्शन सही है। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो वेस्ट इंडीज, बी ऑप्शन सही है। और 1987-88 में ये विकेट लिए थे, 1988-89 का विक्रम पुरस्कार इन्हें मिला था नरेंद्र हिरवानी को। तो 73वां क्वेश्चन देखते हैं, एस वा
स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो सी ऑप्शन है भोपाल में स्थित है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को, ये ऑप्शन सही है। चलिए हम देखते हैं 75वां क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य था? तो उपयुक्त सभी मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपयुक्त सभी सही है। क्षेत्रवाद देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो ये ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 123। सशस्त्रवाद देखते हैं, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? गौड़माना, सशस्त्र, ये सही है। 78वां देखते हैं, सेंधवा में किस नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो ए ऑप्शन सही है, भीमा नायक। 79वां देखते हैं, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आपको यहाँ बता दें, 15वीं जनगणना 2016-11 के अनुसार भारत में जनजाति कुल जनसंख्या की 8.6% पाई जाती है और मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या की 21.1% पाई जाती है। 80वां देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। पंचायती राज अधिनियम 1993 25 जनवरी 1994 से को लागू हुआ और पंचायत दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 81वां देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? अलाउद्दीन खां। आपको बता दें, अलाउद्दीन खां अकादमी 1979 में बनी, ये महज सतना में है। 82वां देखते हैं, विष्णु चेचालकर कौन थे? चित्रकार थे, ये ऑप्शन सही है। 83वां क्वेश्चन देखते हैं, संत सिंघाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो निवाड़ के थे, डी ऑप्शन सही है। 84वां देखते हैं, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन सही है, जबलपुर में स्थित है। 85वां देख लेते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डी ऑप्शन सही है, पत्रकारिता। 86वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सही है, देवास में, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल्स प्रेस स्थित है। 87वां देखते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये अपनी सतपुड़ा रेंज में, ये ऑप्शन सही है। 88वां देखते हैं, बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सी ऑप्शन सही है। इनके द्वारा अन्य रचनाएं लिखी गई जैसे मुकुल, सीधे साधे चित्त, उन्माद, सभा के खेल, झांसी की रानी, वीरों का हो कैसा बसंत। अब 89वां देख लेते हैं, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? जीएल यादव, ए ऑप्शन सही है। इसका प्रारंभ हुआ था अर्जुन अवार्ड का 1969 में। 90वां देखते हैं, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? जंको तबाई ताइबी, ये जापान से संबंधित थे। तो 91वां देखते हैं, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, वर्षा रेन गेज से मापा जाता है, और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। 92वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जबलपुर में, बी ऑप्शन सही है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अब 93वां क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो डी ऑप्शन सही है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तु में देखने में। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो ए ऑप्शन सही है, ओ। आपको बताएं कि कार्ल एंड लैंड एस्टाइनर ने 1930 में रक्त समूह की खोज की थी, तो ए भी सर्वग्राही है। चलिए 95वां क्वेश्चन देखते हैं, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, ए ऑप्शन सही है। और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, और सी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब
और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अब 96वां क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप को की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज किस थी पेनिसिलिन ने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, ये ऑप्शन सही है। 98वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, बी ऑप्शन सही है। और दक्षिण गोलार्ध में 21 जून सबसे छोटा दिन होता है, 20 दिसंबर सबसे बड़ा होता है दिन दक्षिणी गोलार्ध में। 99वां देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता है? तो डी ऑप्शन है, एक पर्यावरण दिन जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्मदिन की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? तो डी ऑप्शन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। चलिए दोस्तों, तो आज हमने 2015 का MPPSC का पेपर देखा है, अगले लेक्चर में हम MPPSC 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।